हेलो एवरीवन, आज हम कंप्यूटर सिमुलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, फोर्थ यूनिट में यही टॉपिक है जो इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लीजिए और कंप्यूटर सिमुलेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप ये जितना मैंने बताया है ये सब लिख करके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है? तो कंप्यूटर सिमुलेशन है क्या? एक प्रोग्राम है, एक टूल है जो कि कंप्यूटर पे वर्क करता है या कंप्यूटर की मदद से हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम या टूल भी लिख सकते हैं आपको है ये। ठीक है, इसमें हम करते क्या है, कंप्यूटर सिमुलेशन में जो रियल वर्ल्ड सिस्टम होता है उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी प्रोसेस हो रही है, ठीक है, अगर आपको गाड़ी चलानी है या आपको कहीं मतलब कहीं ट्रैवल करना है या आप अपनी कॉम्प्लेक्स बॉडी के प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिमुलेशन रन करके समझ सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको गाड़ी चलाना है तो आप बैठ के गाड़ी चला के देख सकते हैं, उसमें पूरी रोड होगी। जैसे आपने देखा भी होगा, आप वीडियो गेम्स खेलते हैं उसमें आप, जैसे पबजी में सब कुछ जो चलता है वो रियल वर्ल्ड सिस्टम से मैच करता हुआ चलता है, लेकिन सच में रियल नहीं होता वो। ठीक है, होता तो इमेजिनरी है लेकिन वो रियल वर्ल्ड सिस्टम के ही जो एक्सपीरियंसेस हैं या इनपुट्स हैं उन्हीं को बेस बना करके वो बनता है। ठीक है, तो उससे हमें चीज़ें सीखने को मिलती हैं ना कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आए तो कैसे बचना है, कहाँ भाग के जाना है, कब शूट करना है, कब चढ़ाई करनी है कहीं पर। तो ये सारी चीज़ें हमें जो एक्सपीरियंसेस मिलते हैं वो सिमुलेशन, कंप्यूटर सिमुलेशन की मदद से ही मिलते हैं। ठीक है, तो मतलब हम रियल वर्ल्ड सिस्टम जो है उसके बिहेवियर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब कंप्यूटर सिमुलेशन का यूज़ क्या है, इसको हम स्टडी पर्पज़, जैसे कोई भी प्रोसेस अगर हमें समझनी है तो हम उसको स्टडी पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं सिमुलेशन को, नॉलेज एक्वायर करने के लिए किसी सिस्टम से रिलेटेड। अब अगर हमें नॉलेज एक्वायर करनी है तो भी इसका यूज़ कर सकते हैं, या किसी सिस्टम का एक्सपीरियंस लेना है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सिमुलेशन को। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस जो हैं, सॉरी जो कंप्यूटर सिमुलेशन होता है उसको स्टडी के साथ साथ किसी भी चीज़ की नॉलेज गेन करने के लिए हम कर सकते हैं, इसको रन करके देख सकते हैं। अब ये कंप्यूटर सिमुलेशन बनाए कैसे जाते हैं, इसके लिए हमें मॉडल बनाना पड़ता है। और वो मॉडल कैसे बनेगा, कोई फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल मॉडल पहले हम प्रिपेयर करेंगे जो कि कुछ लॉज या मैथमेटिकल इक्वेशंस पे बेस्ड होंगे। ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉ का यूज़ कर सकते हैं, और भी कई सारे लॉज हैं जिससे हम किसी एटम की वेलोसिटी का पता कर लें। ठीक है, या किसी भी प्रोसेस, बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो हमारे कुछ लॉज हैं या इक्वेशंस की मदद से हम उसको रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए डाइजेशन की प्रोसेस को समझना है तो उसका सिमुलेशन रन करेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरीके से जो फूड आइटम है वो माउथ से होता हुआ ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रेवल करता हुआ बाहर निकलता है बॉडी से, और कैसे जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। तो ये सारा सिमुलेशन की मदद से हम सीख सकते हैं, जो हमें नॉर्मल हो सकता है पढ़ के समझ में ना आए, लेकिन जब सिमुलेशन करेंगे तो हम उसको सच में एक्सपीरियंस करेंगे और तब वो हमें हमेशा के लिए अच्छे से याद हो जाएंगी चीज़ें, या हम उसको समझ सकेंगे कि अच्छा ये प्रोसेस ऐसे हो रही है। ठीक है, उसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही मतलब उसको फील कर सकते हैं। फिर देखिए, वी कैन स्टडी द फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन बाय गिविंग इनपुट्स अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, एनर्जी मिनिमाइजेशन, हाइड्रोफोबिसिटी एटसेट्रा। अब जैसे मान लीजिए कोई प्रोटीन का सिंगल स्ट्रैंड है हमारे पास या वन डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, वो थ्री डायमेंशन में कैसे फोल्ड हो रहा है, वो अपने कैसे प्रॉपर शेप को एक्वायर कर रहा है, एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में कैसे वो जा रहा है, वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। उसके लिए हमें इनपुट में देना क्या होगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड चीज़ें बतानी होंगी कंप्यूटर को, एनर्जी मिनिमाइजेशन, क्योंकि कोई भी चीज़ अपनी एनर्जी को मिनिमाइज़ करके मिनिमम एनर्जी वाले स्टेट में रहना चाहती है, जिससे उसको क्या हो, बहुत ज़्यादा इधर उधर ना करना पड़े, आराम से इंसान रहेगा एनर्जी मिनिमाइज़ करता हुआ। तो एनर्जी मिनिमाइजेशन की प्रोसेस भी हमें कंप्यूटर को समझानी पड़ेगी, हाइड्रोफोबिसिटी, इसके अलावा और भी बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ, कई सारी चीज़ें जो हैं एटॉमिक पार्टिकल के बारे में, वो सब हमें कंप्यूटर को बताना होगा। फिर कंप्यूटर को हम बोलेंगे कि आप उसका थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन का बनाओ, तो वो उन्हीं सारी नॉलेज को एक्वायर करके
डिफरेंट इक्वेशंस और लॉस का यूज़ करके आपको बता देगा कि कैसे फोल्डिंग होगी प्रोटीन की, ठीक है। वी कैन ऑल्सो लर्न बाई कंप्यूटर सिम्यूलेशन अबाउट फिजियोलॉजी ऑफ बॉडीज़। के अलावा हम ये सारी चीज़ें भी स्टडी कर सकते हैं, जैसे बॉडी की फिजियोलॉजी है, डिजीज़ किस तरीके से स्प्रेड हो रही है, सेल बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इसके अलावा डीएनए का रेगुलेशन कैसे हो रहा है, ये सारी प्रोसेस हम सिम्यूलेशन की मदद से इसको हम याद कर सकते हैं या इसको समझ सकते हैं, इसके बारे में नॉलेज एक्वायर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो जनरल चीज़ें हो गई सिम्यूलेशन के बारे में। अब चलिए आते हैं इसके टाइप्स पे। तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिम्यूलेशन दो टाइप का होता है, एक स्टैटिक एक डायनामिक। स्टैटिक जो होता है उसमें टाइम को हम वेरिएबल की तरह कंसिडर नहीं करते हैं, जैसे थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज़ अ स्टैटिक मॉडल। देखिए किसी भी प्रोटीन का थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हो जाएगा। अगर आपको पता है कि हीमोग्लोबिन या मायोग्लोबिन का ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है तो वो वैसा ही रहेगा, उसका कन्फर्मेशन चेंज हो सकता है लेकिन स्ट्रक्चर तो वैसा ही रहेगा ना। तो इसलिए जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो स्टैटिक मॉडल है। डायनामिक मॉडल में टाइम वेरिएबल होता है। डायनामिक मतलब जो मूव कर सके या मतलब जो टाइम के साथ चेंज हो रहा हो वही डायनामिक है। तो इसमें टाइम को हम वेरिएबल लेंगे। अब टाइम को वेरिएबल लेने के हिसाब से ये तीन तरीके के होते हैं जो आपको पढ़ने हैं अपने कोर्स में, कंटिन्यूस मॉडल, डिस्क्रीट मॉडल और मिक्सड और हाइब्रिड मॉडल, या इसको हम कंटिन्यूस सिम्यूलेशन, डिस्क्रीट सिम्यूलेशन और मिक्सड और हाइब्रिड सिम्यूलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो कंटिन्यूस सिम्यूलेशन में क्या होगा, हम कंटिन्यूसली किसी सिस्टम में किसी स्टेट को ट्रैक करेंगे या हम उसके रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे हर टाइम पर। मतलब इसमें टाइम को छोटे छोटे पार्ट में हम डिवाइड कर लेंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ करके हम ये सिम्यूलेशन को रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन यूज़ होती है, कंटिन्यूसली ट्रैक होता है किसी भी सिस्टम का स्टेट। इसके अलावा ये डिजिटल कंप्यूटर से बेस्ट रन हो सकते हैं क्योंकि डिजिटल कंप्यूटर ही टाइम को छोटे छोटे यूनिट्स में बांट के उनको अच्छे से स्टडी कर सकता है। तो डिजिटल कंप्यूटर्स इसके लिए बेस्ट रिजल्ट शो कर सकते हैं। ये मैंने ग्राफ बना के बताया हुआ है कि कोई भी कंटिन्यूस प्रोसेस है तो वो किस तरीके से ट्रैक होगा। देखिए हर टाइम पर वो ट्रैक हो रहा है, ठीक है। इट इज़ यूज टू मॉडल सिस्टम दैट आर कंटिन्यूसली चेंजिंग, जैसे क्लाइमेट, इकोसिस्टम, सेल डिवीजन, ये सारे इवेंट जो हैं जो कंटिन्यूसली चेंज होते हैं इसको हम मॉडल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम डिस्क्रीट सिम्यूलेशन पढ़ेंगे, लेकिन देखिए डिस्क्रीट सिम्यूलेशन भी कंटिन्यूस सिम्यूलेशन से ही हमें निकाला जाता है, ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस में क्या है रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं, डिस्क्रीट में हम टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हैं। तो डिस्क्रीट सिम्यूलेशन क्या होता है, डिस्क्रीट सिम्यूलेशन यूजेस टाइम स्किपिंग। मतलब इसमें हर एक टाइम इंटरवल को नहीं लिया जाता है, टाइम को स्किप करके कुछ कुछ टाइम पीरियड पे क्या स्टेट चेंज हो रही है ये बताया जाता है। मॉनिटर चेंजेस विद इन स्पेसिफिक टाइम रेंज, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम पे क्या इवेंट हो रहा है ये हमें पता चलेगा, ठीक है। मॉडल इज़ बेस्ड ऑन इवेंट्स और स्टेट चेंज, ये इवेंट या स्टेट चेंज पे बेस होता है। इसका बेसिस क्या है, इवेंट चेंज या स्टेट चेंज। अब इसको मैं एग्जांपल भी आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए सेल डिवीजन की प्रोसेस ही तो कंटिन्यूस चलती है, आप कंटिन्यूस ट्रैक करेंगे, लेकिन अगर आपको किसी टाइम पॉइंट पे ट्रैक करना है कि कब एम फेज आ रही है, कब एस फेज आ रही है, कब उसमें G1 G2 फेज आ रही है, कब इंटर फेज आ रहा है, कब टीरो फेज आ रहा है, कब एना फेज आ रहा है, तो वो डिस्क्रीट इवेंट हो जाएगा। मतलब कंटिन्यूस डिस्क्रीट आपस में एक दूसरे से डिफरेंट नहीं है, लेकिन कुछ कुछ प्रोसेस में हमें क्या कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ती है, कहीं कहीं डिस्क्रीट सिम्यूलेशन रन करके भी हमें प्रोसेस की स्टडी हम आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए डिस्क्रीट इवेंट का ग्राफ कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पॉइंट पे क्या स्टेट है, क्या सिस्टम किस स्टेट में है, मतलब क्या उसकी मॉनिटरिंग से हमें पता चल रहा है। जैसे हम ग्रोथ फेज की स्टडी करनी है, लैग, लॉग, स्टेशनरी, डेथ फेज की, तो हम कंटिन्यूस फॉर्म में भी कर सकते हैं और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे भी बता सकते हैं कि इस टाइम पे लैग फेज शुरू हुआ, इस पे लॉग, इस पे स्टेशनरी और इस पे डेथ फेज शुरू हो गया, ठीक है। तो ये आप एग्जांपल में लिख सकते हैं। हाइब्रिड सिम्यूलेशन में क्या होगा, देखिए कोई भी हमारा जो रियल लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो पूरी तरीके से कंटिन्यूस या डिस्क्रीट फेज पे डिपेंड नहीं करता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी तो उसमें क्या होगा, कभी कंटिन्यूस प्रोसेस हमें समझनी होगी, कभी डिस्क्रीट प्रोसेस समझनी होगी। तो हाइब्रिड सिम्यूलेशन जो होता है वो किसी बड़े इवेंट को या कॉम्प्लेक्स इवेंट को समझने के लिए यूज़ होता है, जिसमें हमें दोनों ही तरीके के कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों ही तरीके के सिम्यूलेशन को मिक्स करना पड़ता है, या दोनों ही तरीके के जो सिम्यूलेशन में दिए जाने वाले इनपुट्स हैं वो देने पड़ते हैं और ये तब जा करके रन होता है। मतलब इसमें कंटिन्यूस और डिस्क्रीट दोनों आस्पेक्ट्स को कंसीडर किया जाता है। कंटिन्यूस जो इवेंट है उसको हम डिजिटल फॉर्म में और जो डिस्क्रीट इवेंट है उसको एनालॉग फॉर्म में शो करते हैं। फिर यही लिखा हुआ है, इट इज़ यूज टू स्टडी कॉम्प्लेक्स सिस्टम। जैसे कोई दो कार जा रही हैं सर्कुलर ट्रैक पे तो लगातार वो घूमती रहेंगी, कहीं रुकेंगी नहीं, लेकिन अगर वहाँ पे ट्रैफिक लाइट लगा दी जाए तो किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे वो रुक जाएंगी,
तो हम कह सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे जो कार थी वो मूव कर रही थी, इस वाले पॉइंट पे जो कार थी वो रुकी हुई थी, तो अलग अलग पॉइंट की स्टडी हो गई। और रेगुलर स्टडी करते तो हम उस पर ट्रैफिक लाइट नहीं लगाते तो वो कंटिन्यूस इवेंट हो जाता। तो वही देखिए एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि टू और मोर कार्स मूविंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक विद अ ट्रैफिक लाइट, तो इसमें जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स या मूविंग कार्स हैं वो कंटिन्यूस सिस्टम बना रही हैं, ठीक है। अगर हम ट्रैफिक लाइट नहीं लगाते तो वो कंटिन्यूस मूव करती रहती, लेकिन जो ट्रैफिक लाइट है वो डिस्क्रीट सिस्टम बना रहा है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, हम डिस्क्रीट इवेंट की कब वो कार रुक रही है कब चल रही है ये दोनों चीज़ें हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो ये हमारा हाइब्रिड सिमुलेशन हो गया, ठीक है। यही तीनों टाइप आपको पढ़ने हैं और थोड़ा सा आपको बेसिक पता होना चाहिए कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होता है, ठीक। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक भी किया करिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं, अपना काम निकल जाता है, उसके बाद आप लोग बंद करके वीडियो चल देते हैं, ठीक है। कोई इसमें नोट्स भी नहीं बनाना चाहता, नोट्स भी आप लोग को अलग से भी चाहिए होते हैं, इसी से देख के भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेरी मेहनत को आप इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उसे लाइक कर दीजिए तो मेरी मेहनत सफल हो जाए, क्योंकि ये जो मैं नोट्स लेकर के आती हूँ कहीं भी आपको मिलेंगे नहीं इस तरीके के। मैं कई सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर करके आपको क्या बेस्ट समझ में आ सकता है उसके हिसाब से मैं नोट्स बनाती हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लमेटिक ना लगे, समझ में आ जाए चीज़ें, क्योंकि कहीं भी अगर आप पढ़ेंगे तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो आपके लिए अगर हम मेहनत कर सकते हैं तो आप मेरे लिए एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो उम्मीद है अब आप मेरे वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।